हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि, आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। आज हम आपके लिए एक बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट जो स्टॉक है वो लेके आए हैं, जिसका ब्रेकआउट जो है लगभग 19 साल के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। तो शेयर का नाम जो है रिको ऑटो है। अभी इसने काफ़ी तगड़ा हमें ब्रेकआउट देखने मिला है विथ वॉल्यूम। तो इसका एनालिसिस हम बनाने वाले, एनालिसिस वीडियो हम बनाने वाले, और कहाँ पे आपका इसका बाइंग लेवल होगा और कब आप बाई कर सकते हो, क्या इसका स्टॉप लॉस रहेगा, तो डिस्कस कर लेते हैं इसके टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स तो मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं टेक्निकल्स पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल जो है आपको उसकी स्ट्रेंथ बताएगा, स्टॉक की जो है स्ट्रेंथ बताएगा, स्ट्रेंथ कितनी है उसमें, और टेक्निकल जो है आपको एंट्री एग्ज़िट बताएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे आप एंटर हो सकते हो, कहाँ पे आप एग्ज़िट हो सकते हो। तो फंडामेंटल से ज़्यादा मैं टेक्निकल को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो टेक्निकल पे ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स की, थोड़े से फंडामेंटल्स हम देख लेते हैं कंपनी क्या करती है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो कंपनी जो है ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है, BSE में लिस्टेड है, NSE में भी लिस्टेड है यहाँ पे अगर देखोगे आप। और ये ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसके PS भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी तगड़े PS है इसके। जो यहाँ पे देखोगे बॉश है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, सोना सोनाकॉम से ऊनो मिंडा है, ऊनो मिंडा से याद है, मैंने ऊनो मिंडा का भी यहाँ पे एनालिसिस, सॉरी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका मैंने बाइंग लेवल और कहाँ पे आप इसे ख़रीद सकते हो, क्या इसमें पैटर्न बन रहा है, ये मैंने डिटेल्स यहाँ पे बना दिया हुआ था, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मंथली चार्ट है। तो ये मैंने 18/11/2023 को ये एनालिसिस मैंने पैटर्न का जो है किया हुआ था, और यहाँ पे आप देख सकते हो बाइंग जो लेवल है इसका 620 से 630 रुपया था। अगर यहाँ पे देखोगे 2024 फरवरी जो है यहाँ पे अगर देखोगे लो, यहाँ पे देखो ये जो है, यहाँ पे देखो इसका जो इस कैंडल का जो है लो है मंथली वाला, 606 रुपया इसका लो लगा चुका है, और अभी अगर क्लोजिंग अगर देखोगे 662 रुपये पर इसका अभी चल रहा है। तो 62 रुपीज़ ऑलरेडी बाइंग लेवल से ऊपर चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था 620 से लेके 630 आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, और जिसके टारगेट है फर्स्ट टारगेट जो है 780, सेकंड टारगेट 870, थर्ड टारगेट 930, और फोर्थ टारगेट जो है 1030 जो है मैंने इसके टारगेट दिए हुए थे, और इसमें डेट भी मैंने मेंशन किया हुआ है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे मैंने स्विंग के लिए स्टॉक दिए हुए हैं, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो अपने हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू भी आप जुड़ सकते हो, और यहाँ पे जो राइट हैंड कॉर्नर में आपको QR कोड दिख रहा है, इसे आप अपने मोबाइल से स्कैन करके इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। तो चलिए बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। तो यहाँ पे इसके जो है ये पीयर्स है, और यहाँ पे अगर देखोगे प्रोज एंड कॉन्स जो है, स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 2.53 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो ये ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 3.48% ऑफ ओवर लास्ट 3 इयर्स। 3 साल से कंपनी ने कुछ ज़्यादा खास रिटर्न दिए नहीं है, आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो कंसोलिडेशन फेज था लगभग 19 साल का इसका कंसोलिडेशन हुआ है, इसीलिए कुछ खास रिटर्न मिला नहीं है, लेकिन अभी टाइम आ गया है कि तगड़ा पैसा बनाया जाए इस स्टॉक में। तो यहाँ पे अगर देखोगे प्रॉफिट, अगर देखोगे नेट प्रॉफिट की हम बात करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है धीरे धीरे, और ईयर ऑन ईयर की अगर बात करेंगे तो धीरे धीरे जो है आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। ये एक अच्छी बात है कि ये प्रॉफिट जो है इनका बढ़ रहा है धीरे धीरे, और यहाँ पे अगर देखोगे नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद अगर देखोगे तो इनके पास जो है बोरोइंग्स
725 करोड़ का जो है यहाँ पे कंपनी पे डेट है, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर देखोगे यहाँ पे रिजर्व जो है मार्केट के, ये कंपनी के पास, तो बोरोइंग से थोड़ा सा कम जो है रिजर्व यहाँ पे है, तो कभी भी कंपनी अपने आप को डेट फ्री कर सकती है। 682 करोड़ जो है इस कंपनी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है, और बोरोइंग्स देखेंगे तो 725 करोड़ का है। तो कभी भी मार्केट कंपनी जो है अपने आप को डेट फ्री कर सकती है, ये एक काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे देखोगे तो ये प्रमोटर्स होल्डिंग अगर देखोगे तो 50.33% जो है प्रमोटर के पास होल्डिंग है। FIIs जो है यहाँ पे अगर देखोगे तो एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर जो है FIIs जो है यहाँ पे अपनी होल्डिंग जो है बढ़ा रहा है। यहाँ पे देखोगे 0.7%, 0.7, 0.30, 0.45, 73, 71, 1.03, 1.43, 1.14, तो धीरे धीरे जो है FIIs जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पे इंटरेस्ट अपना दिखा रहे हैं, यहाँ पे वो अपनी पोजीशंस यहाँ पे बना रहे हैं धीरे धीरे। और पब्लिक के पास अगर देखोगे तो 48.56% का स्टेक जो है पब्लिक के पास है, तो ये फंडामेंटल और हल्का सा फंडामेंटल है, ठीक है, फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट कैप अगर देखोगे तो 1760 करोड़ का जो है मार्केट का कैप है, फेस वैल्यू बस 1 रुपया है इसका। और यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखोगे तो सिर्फ 7.36% का है, उसका रीज़न मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पे 19 साल से जो है ये स्टॉक अपने कंसोलिडेशन फेज़ में था। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि इसके बाइंग लेवल्स क्या होने वाले और कहाँ पे आप बाय कर सकते हो, कौन सा आपका क्या आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आगे वाले आने वाले टारगेट्स आपके क्या होने वाले हैं। तो अगर आप जो एनालिसिस शुरू करने से पहले, आपको बाइंग देने से पहले, बाइंग लेवल आपके जो है वो प्रोवाइड हो करने से पहले जो है, आप अगर चैनल पे नए हो, ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाले कुछ जो ऐसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक जो होंगे तो उसके आप एनालिसिस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे ये मेरा चैनल है गोल्डन बुल्स नाम से, यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरफेस, और यहाँ पे हम निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का एनालिसिस वीडियो, डेली एनालिसिस वीडियोस, कुछ मल्टीबैगर स्टॉक जो होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, कुछ पेनी स्टॉक जो होते हैं उनके भी एनालिसिस वीडियो हम यहाँ पे डालते हैं यूट्यूब चैनल पे, और कुछ जो है टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे हम अपना व्यू शेयर करते हैं। और ये जो सब व्यूज़ और एनालिसिस है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होने वाला है आपके लिए, तो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मुझे एक्सपीरियंस है, कम से कम 7 to 8 ईयर्स का जो मार्केट का एक्सपीरियंस है, तो मैं अपना व्यू यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो ये एक डिस्क्लेमर है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे मंथली में अगर देखोगे यहाँ पे, तो ये वाला जो 2005 से लेके 2024 तक का जो इसका कंसोलिडेशन फेस था, यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन और तगड़ी यहाँ पे हमें एक मारुबुजु कैंडल यहाँ पे मंथली में देखने को मिली है, जो कि अभी स्टार्ट हुआ है ये वाला 2024 का मार्च महीना जो है ये हमें देखने मिला है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग जो है इस स्टॉक में हमें देखने मिल रही है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम भी अगर देखोगे तो काफ़ी तगड़ा वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हुआ है, यह इसी लेवल से ही हुआ है, बल्कि 2022 से ही वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज़ होना शुरू हुआ था। तो वीकली में एक बार देख लेते इसे, तो वीकली में भी अगर देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम यहाँ पे आया है, इसके अगर कंपेरिजन में आप देखोगे यहाँ पे बिल्कुल वॉल्यूम जो है ड्राई हुआ था, यहाँ पे सडनली बहुत ही ज़बरदस्त तगड़ा वॉल्यूम यहाँ पे आया है। तो इसने जो है 2-3 बार यहाँ पे अपना जो प्रीवियस हाई था इसे ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन फेल हुआ था। अभी इस बार जो है काफ़ी तगड़ा यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है। तो इसके जो लेवल्स हैं ये मैं आपको यहाँ पे मैंने मार्क करके रखे हुए हैं, तो मैं इसको रिवील कर देता हूँ। तो अभी देखो ये वीकली चार्ट है, और इसके इसमें अगर देखोगे यहाँ पे RSI भी अगर देखोगे तो नीचे से ऊपर की तरफ निकल रहा है, 50 के ऊपर तो ऑलरेडी है, तो यहाँ से भी वो RSI भी हमें साथ दे रहा है यहाँ पे। और मंथली में भी अगर देखोगे तो RSI यहाँ पे आप देख सकते हो, एक
मैं इसे जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो RSI जो है 50 के ऊपर यहाँ पे क्रॉस करके निकल चुका है। ठीक है, तो वीकली में जो है यहाँ पे अभी बाइंग कहाँ पे बनेगा और आपका स्टॉप लॉस क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए अभी वीकली में इस कैंडल को आप क्लोज़ होने दीजिए, या तो आप, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भागा है यहाँ पे। अगर डेली में भी आप देखोगे तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया है ये काफ़ी तगड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे 3 कैंडल अभी बना चुका है, तो यहाँ पे इसको एक बार रिटेस्ट होना ज़रूरी है। तो आप बाय कर सकते हो, जो रिटेस्ट का लेवल है ये वाला होने वाला है। एक तो यहाँ पे 100 से लेके 110 के रेंज में आप ले सकते हो, या तो इस लेवल पे ले सकते हो 90 से लेके 95 के लेवल पे, और आप फिर यहाँ पे इस तरीके से वो जाता हुआ आपको दिख सकता है। ठीक है, तो एक तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो रिट्रेस करके इस तरीके से फिर से एक बार बाइंग का चांस दे, या तो यहीं पे एक डोजी बना के फिर ऊपर, वीकली में मैं चार्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डोजी बना के फिर यहाँ पे ऊपर जा सकता है। तो आपका जो बाइंग लेवल बनेगा रिट्रेसमेंट अगर करता है तो 100 से लेके 105-110 के रेंज में आप इसे बाय कर सकते हो। उस केस में जो है आपका स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे 80 रुपीज़ का, 105 से लेके 100 से लेके 105 के रेंज में अगर आप लेते हो तो आपका 80 रुपीज़ का मतलब यहाँ से 20 से 25 रुपये का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है बिग ब्रेकआउट जो होता है यहाँ पे मल्टी ईयर का ब्रेकआउट, तो इसका जो टारगेट होता है वो काफ़ी तगड़ा हमें मिलता है, जो हमने एनालिसिस देखा है किसी मल्टी ईयर ब्रेकआउट के जो स्टॉक्स होते हैं तो ये काफ़ी तगड़े रिटर्न्स हमें दे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट क्राइटेरिया रहेगा, अगर रिट्रेसमेंट होता है तो आप 100 से लेके 105 की रेंज में बाय कर सकते हो। उस केस में आपका स्टॉप लॉस जो है 80 रुपीज़ तक रहेगा, मतलब ये लेवल जो है आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मैं इसे मार्क कर देता हूँ यहाँ पे 80 रुपीज़ यहाँ पे रहेगा आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, मैं इसे हो गया भाई, मैं इसे जो है लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार, डेट और ये भी डाल देता हूँ, आज है 3 तारीख, 3/3/2024। ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि हमें याद रहे कि हमने इसका एनालिसिस किया था 3/3/2024 को, और यहाँ पे इसका बाइंग जो लेवल है, बाय लेवल है इसका 100 से लेके 105 जो है ये बाइंग लेवल रहेगा। इसके जो टारगेट होंगे इसे भी मार्क कर देता हूँ टारगेट, एक मिनट। ये जो है शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ पे 136 से लेके 140 के लेवल तक आप रुक सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो 138 हमारा ये रहेगा फर्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट जो है 149, मतलब 150 आप पकड़ के चलिए। उसके बाद जो है 173 का नेक्स्ट टारगेट होगा, और लास्ट टारगेट जो है 197 का, ये इसके आने वाले टाइम में जो है इसके टारगेट्स होने वाले हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हो तो ये यहाँ से लगभग ऑलरेडी 200 के रेंज में जाएगा, तो ऑलरेडी डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो भाग रहा है ये 95 से लेके 90 रुपीज़ से जो अभी भाग रहा है, तो हो सकता है कि हमें इसी साल जो है 2024 में के एंड तक ही ये 200 का टारगेट हमें अचीव हो जाए। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करते हो तो यहाँ पे आप जब डबल हो जाएगा तो अपना इन्वेस्टमेंट जो है आप निकाल ले सकते हो, और यहाँ पे जो है बाकी जितना भी क्वांटिटी बचेगा आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हो, तो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इससे जो है हम टारगेट एक बार लिख देते हैं यहाँ पे क्या क्या टारगेट है हमारे। तो हमारा फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 138 का। हमारा सेकंड टारगेट 150 का हम लेंगे। थर्ड जो टारगेट होगा,
173 का जो है, 173 का हमारा थर्ड टारगेट होगा। और फोर्थ जो है, फोर्थ टारगेट जो है हमारा ये होगा 197 से लेके 200 का, यह हमारा टारगेट होगा। ठीक है, या आप लेवल जो है मार्क करके रख सकते हो। ये वीकली चार्ट में एनालिसिस में जो बता रहा हूँ, ये वीकली में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो 3/3/2024 को मैंने ये एनालिसिस किया है। बाइंग रेंज जो है 100 से लेके 105 अगर रिट्रेस करता है तो आपको बाय करना है। तो रिट्रेसमेंट का ही आप वेट करो, क्योंकि यहाँ पे जो भागा है 95 से लेके तो 130, अगर यहाँ पे बाय करते हो अगर रिट्रेसमेंट करता है तो रिस्क रिवॉर्ड जो मतलब जो एसएल पॉइंट जो है एसएल आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे बाय करने का कुछ मतलब नहीं बनता है। तो ब्रेकआउट देने के बाद जो है जनरली रिट्रेस करने के लिए स्टॉक कोई भी हो स्टॉक वो रिटेस्ट करने के लिए आता ही है। तो रिटेस्ट पे ही आपका बाय बनेगा। अभी रनिंग वाला जो कैंडल है इसमें आप अगर बाय करते हो तो यहाँ पे आप फंस सकते हो, तो आपको काफ़ी लॉसेस देखने मिल सकते हैं। अगर आप उस रेड कलर का जो है आपका लॉसेस जो है रेड कलर अगर आप अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हो तो आप यहाँ पे भी डायरेक्टली बाय कर सकते हो 130 के लेवल पे, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो है बहुत नीचे बन जाएगा। तो आप यहाँ पे लेवल्स देख के चल सकते हो। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको बाय ही करना है तो आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करो और उसके बाद जो आप अपना पोजीशन यहाँ पे बना सकते हो। तो रिट्रेसमेंट के लिए आप वेट ही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं यही प्रेफर करूँगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बाय करोगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एसएल पॉइंट। यहाँ पे एसएल पॉइंट जो है 80 रुपीज़ का अपना एसएल पॉइंट होने वाला है। ठीक है, तो ये था ये रिको ऑटो का एनालिसिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक शेयर और कमेंट कर देना। अगर आपको किसी भी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए स्पेसिफिक स्टॉक का तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, तो आपका उस आपको उस वीडियो का जो है एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।